Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, geometric progression, यानी GP. आज हम GP के बारे में पढ़ेंगे. Last lecture में हमने AP के बारे में discuss किया था, arithmetic progression के बारे में. तो GP, GP भी क्या है? एक sequence है. कैसी sequence है ये? ये ऐसी sequence है जिसमें किसी term और उससे preceding terms की जो ratio आएगी वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी. यानी क्या कह सकते हैं हम? जीपी क्या है? सीक्वेंस है नॉन जीरो नंबर्स की, इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विद इट्स प्रीसीडेंट टर्म, यानी पहले वाले टर्म के साथ, यानी दूसरे वाले टर्म की पहले वाले टर्म के साथ रेशियो, तीसरे वाले टर्म की दूसरे वाले टर्म्स के साथ रेशियो, यानी वो रेशियो क्या आएंगी? कांस्टेंट आएंगी. और रेशियो अगर कांस्टेंट आती है तो वो सीक्वेंस आपकी क्या होती है? एक जीपी होती है. जैसे जर्नल एपी हमने लिखी थी, क्या लिखी थी? ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन. वैसे ही जो जर्नल जीपी है वो लिखी जाएगी ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन. यानी जो जनरल जीपी है वो किससे डिनोट होती है? इससे डिनोट होती है ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वेयर कोमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन. आप देखें सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें यानी रेशियो निकालें, आर आएगी. थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, रेशियो आर आएगी. फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, रेशियो आ रहा है, यानी एक कांस्टेंट रेशियो आ रही है. और अगर कांस्टेंट रेशियो आए तो वो सीक्वेंस आपकी क्या होती है? एक जीपी होती है. फर्स्ट टर्म ये है. फर्स्ट टर्म क्या है? ए आर की पावर जीरो. फर्स्ट टर्म है ये. ए वन से डिनोट कर दिया मान लो, या हम इसको जनरली है ना टी से डिनोट कर देते, ये टी वन से डिनोट कर दी. फर्स्ट टर्म ये टी वन से. सेकेंड टर्म क्या है? ए आर वन ये टी टू से सेकेंड टर्म, यानी इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर टू माइनस वन. थर्ड टर्म है ए आर स्क्वेयर को लिख सकते हैं ए आर की पावर थ्री माइनस वन. फोर्थ टर्म ए आर की क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर फोर माइनस वन. तो nth टर्म क्या होगी? nth टर्म, तो देखो सभी में ए तो सेम रहा है, आर की पावर अगर यहां फोर है तो फोर माइनस वन, थ्री है तो थ्री माइनस वन, टू है तो टू माइनस वन, वन है तो वन माइनस वन, वन है तो वन माइनस सॉरी जीरो है तो वन माइनस वन लिख सकते हैं. तो वैसे यहां पर जितना यहां नंबर है इंडेक्स में माइनस वन. यानी nth क्रम आपको पता होनी चाहिए जीपी की. nth क्रम क्या होती है? tn से हम डिनोट करते हैं और ये होती है a इंटू आर की पावर n माइनस वन. ए क्या है? फर्स्ट क्रम है जीपी की. एंड r क्या है? कॉमन रेशियो है. r किसको डिनोट करता है? कॉमन रेशियो. ठीक है, हमें पता चल गया है कि nth जनरल जीपी क्या होती है, उसके बाद इसकी nth टर्म क्या होती है ये हमें मालूम चल गया है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सम की, कि एक जीपी के अंदर अगर n टर्म्स है यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका सम क्या होगा, यानी Sn क्या होगा, यानी Sn होगा इन सभी टर्म्स का सम. a ar ar स्क्वायर अप टू सो ऑन ar की पावर n माइनस वन, ये होगा इनका सम. इनका सम निकालना है. मैं क्या करता हूं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी बोथ साइड, इसको भी आर से, इस ए को आर से करोगे ये बनेगा, इस ए आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, अप टू सो ऑन लास्ट वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा. मैंने क्या किया, इस एस एन को यानी जो ये था एस एन इक्वल टू सभी टर्म्स का सम, इसको मैंने बोथ साइड आर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आर से, इसको आर से किया, ये इसको आर से किया, ये इसको आर से करेंगे, ये इसको आर से करेंगे, ये टर्म बनी. इसमें से इसको माइनस कर दे, फर्स्ट में से सेकंड को, ये फर्स्ट थी, इसमें से इस सेकंड को माइनस कर देते, इसमें से इसको माइनस किया, एस एन माइनस आर एस एन. आप देखेंगे जब माइनस करोगे ये माइनस 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 माइनस,
ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी क्या रहा है a माइनस ए आर की पावर n। यहां से sn कॉमन 1 माइनस r, यहां से a कॉमन 1 माइनस r की पावर n, sn निकाल लिया क्या आया a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये सम होता है व्हेन r इज लेस देन 1, जब r की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो आपने जीपी का सम यूज करना है a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो माइनस यहां से भी यहां से भी, तो ये बना। और ये सम हम यूज करते हैं व्हेन आर ग्रेटर देन 1, व्हेन आर ग्रेटर देन 1। और जब आर की वैल्यू 1 है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये दो अलग अलग मेंशन कर देता है, बहुत सारे बुक में सिंगल टर्म से यूज कर लेता है, बहुत सारे बुक में तो जो सम है एस एन वो ऐसे लिख देता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ऐसे ही डिनोट कर देता है। उसके बाद सम पता चलने के बाद हम बात कर रहे हैं, ये तो एक फाइनाइट जीपी थी। अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का मीन्स व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इनफाइनाइट है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनिटी को टच कर रही है यानी इनफाइनाइट है, तो sn ये था क्या a r की पावर n अपॉन r माइनस 1 माइनस a अपॉन r माइनस 1। यहां पर a r की पावर n अपॉन r माइनस 1 प्लस a, यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया। ये इनफाइनाइट जीपी का सम तब एग्जिस्ट करेगा जब एक कंडीशन फुलफिल होगी। क्या कंडीशन फुलफिल होगी कि जब हमारी कॉमन रेशियो माइनस 1 और 1 के बीच में आती है तभी हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम क्या करता है एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सम डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कॉमन रेशियो माइनस 1 से छोटी आ जाए या 1 से बड़ी आ जाएगी तब इनफाइनाइट जीपी का सम डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट जीपी का सम तो ओनली कब एग्जिस्ट करेगा व्हेन आपकी जो आर है वो क्या है माइनस 1 और 1 के इन बिटवीन लाई करेगी। तो देख लो कोई भी नंबर, मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूं, कोई भी नंबर अगर आप माइनस 1 से 1 के बीच का ले लिया, जैसे 1 बाय 2 ले लिया, 1 बाय 2 की पावर 1 0.5, 1 बाय 2 का स्क्वायर 0.25, 1 बाय 2 का क्यूब 0.12, 1.2 की पावर 4 और भी स्मॉल 0.06 जो भी। यानी आप देखो कोई भी नंबर माइनस 1 और 1 के इन बिटवीन का है तो हमेशा उसकी पावर आप बढ़ाते जा रहे हो तो वो नंबर छोटा होता जा रहा है। जैसे 1.2 की 1 ली थी तो ये पावर बढ़ाई, स्मॉल हो गया और स्मॉल हो गया और स्मॉल हो गया। यानी जितनी पावर आप बढ़ाते जाओगे वो छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 वो वैनिश भी होगा। यानी जित एक्सट्रीम पर जब हम चले जाएंगे मैक्सिमम पावर हम लेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा, यानी छोटा होते 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 वो खत्म हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू जीरो आएगी। यानी कोई भी नंबर है जो माइनस 1 और उसके 1 के बीच में है उसकी पावर इनफिनिटी पे जाएंगे, मैक्सिमम पे जाएंगे तो वो जीरो आंसर देगा। तो ये जीरो आंसर देगा जब आर आपका किस किस के बीच में है, माइनस 1 और 1 के बीच में है तो ये आंसर जीरो दे देगा। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये आ गया ए अपॉन 1 माइनस आर। यानी जो इनफाइनाइट जो जीपी होती है उसका सम एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट एपी का हमने बताया था सम डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करता है। क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि आर किस किस के बीच में होना चाहिए, माइनस 1 से ग्रेटर एंड 1 से लेस होना चाहिए, तभी क्या करता है सम एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने जीपी को डिफाइन किया है। जीपी क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर किसी टर्म की उससे प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो आएगी। सेकेंडली जनरल जीपी कैसे डिनोट करते हैं ये हमें पता चला है, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ऐसे डिनोट होती है।
थर्ड nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है ए आर की पावर एन माइनस वन, ए फर्स्ट टर्म होती है, आर क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। उसके बाद एक फाइनाइट जीपी का सम हमने एग्जिस्ट करवाया है, क्या होता है फाइनाइट जीपी का सम एस एन ए इंटू वन माइनस आर की एन डिवाइड बाई वन माइनस आर जब आर लेस देन वन है, और ए इंटू आर की एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन जब आर ग्रेटर देन वन है। जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करता है लेकिन उसपे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब आपकी कॉमन रेशियो माइनस वन से बड़ी और वन से छोटी आएगी तभी उसका सम एग्जिस्ट करेगा, और उसका सम क्या आएगा ए अपॉन वन माइनस आर आएगा। क्लियर? ओके नाउ आगे अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन जीएम की। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स के बीच में आपने एक नंबर जी इंट्रोड्यूस करवाया है, इस जी को ही मैं इन दो नंबर्स का क्या कहूंगा ज्योमेट्रिक मीन कहूंगा। लेकिन कब कहूंगा, जब ये सिक्वेंस आपकी क्या फॉर्म करेगी, एक जीपी फॉर्म करेगी, दिस सीक्वेंस फॉर्मिंग ए जीपी। अच्छा अगर ये जीपी है तो हमें पता है इसकी रेशियो और इसकी रेशियो सेम आएगी। जीपी में क्या होता है रेशियो सेम, यानी इसको इससे डिवाइड किया या इसको इससे डिवाइड करें क्या आएगा सेम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ चुका है। यानी अगर टू नंबर्स है उनका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मान लिया टू नंबर्स हैं जिनके बीच में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज एन ज्योमेट्रिक मीन्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स के स्क्वायर रूट की होल पावर वन अपॉन एन। ठीक है सॉरी एन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल रेज टू पावर एन। तो आपने पढ़ लिया है, दो चीजें आपने सीखी हैं। क्या सीखा है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है टू नंबर्स का, दो नंबर है ए एंड बी तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उन दोनों नंबर के बीच में ऐसा नंबर आपने क्या करना है इंट्रोड्यूस करना है कि वो सीक्वेंस आपकी क्या बन जाए जीपी बन जाए, फिर जीपी की कंडीशन लगा देनी है। अगर ये तीनों जीपी में है तो जीपी की क्या कंडीशन होती है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। यहां से जी की वैल्यू आपने निकाल ली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आई है, यानी क्या है दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपको पता चल गया क्या होता है दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन यानी एम एंड ज्योमेट्रिक मीन जीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन निकालने। हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन टू नंबर्स का ए प्लस बी बाई टू होता है और ज्योमेट्रिक मीन टू नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करवाते हैं, क्या आएगा ए प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एलसीएम ले लो, ये आएगा एलसीएम लेने के बाद दिस विल बी ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी डिवाइड बाई टू। जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी आई है उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ये आया। स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव, यानी अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन तो हमेशा पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन क्या अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, क्या रिलेशन होती है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके नाउ नेक्स्ट होमवर्क अपना नोट करें,
9 पॉइंट जो 3 एक्सरसाइज है जो जीपी पे बेस्ड है उसके फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स आपने आज करनी है। ओके, थैंक यू।